Hello my dear friends, thank you for joining me on my YouTube channel Cook with DJ. आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक नया एयर फ्रायर है, इनालसा का न्यूट्रीफ्राई डिजिटल एयर फ्रायर। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने अपने बेटे के एक दोस्त के लिए मंगवाया है और अब ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अभी खोलना है इसे मुझे और चेक करते हैं कि ये कैसा एयर फ्रायर है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। लेकिन जो बेसिक्स हैं वो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। इसका फ़र्क सिर्फ यही है कि ये डिजिटल है और एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमें अवेलेबल हुआ है अमेज़ॉन से। ये मैं खोल रहा हूँ इसको पहली बार। ये सबसे पहले इसमें इन्होंने दिया है, इसका एयर फ्रायर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है और इसमें रेसिपी बुक भी है। ये एक्चुअली मैनुअल है और वारंटी कार्ड भी है। Very nice. It's very very nice. I must say, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी फिनिश, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। और आगे इसका खोल के देखते हैं। ये जो है ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये हैंडल है इसका। इसको हम खोलेंगे तो इसकी जो बकेट है वो बाहर आएगी, देखने में काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, ये पहले वाले जो एयर फ्रायर्स हैं उनमें से हट के हैं। इसका यही चैम्बर है और यही इसकी बकेट है। और इसमें अलग से उन्होंने ये एक ट्रे दी है, ये वाली ट्रे है। ये डिटैचेबल है, इसके दो चैम्बर नहीं है कि एक बकेट हो और एक चैम्बर हो। इसको हम ऐसे इसमें एडजस्ट करेंगे और जो भी सामान इसमें हमने बनाना है, एयर फ्रायर करना है, जो मान लीजिए बेकिंग करनी है, ग्रिलिंग करनी है, वो इस ट्रे पे रखेंगे और ये ट्रे आसानी से ऐसे बाहर आ जाएगी। ये ट्रे ऐसे बाहर आ जाएगी और इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन। यही एक चैम्बर है जिसे हमें साफ़ करना पड़ेगा। इसका बकेट निकालने के बाद मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये जो राउंड कॉयल है ये इसका हीटिंग एलिमेंट है जो 1400 वाट का है। और उसके नीचे एक पंखा नज़र आ रहा है जो इसमें जो हवा है उसे सर्कुलेट करता है और हमारी चीज़ें एयर फ्राई होती हैं। सो ये इसका जो बकेट इसकी निकाल लेते हैं बाहर, तो ये इसका चैम्बर है। बॉडी प्लास्टिक की है इसकी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से इसे इतना अच्छा बनाया है कि आपकी हर चीज़ अच्छे से एयर फ्राई होगी, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी और आप घर बैठे अच्छे से अच्छे स्नैक्स का मज़ा ले पाएंगे। इसका ये जो इन्होंने प्लग दिया है ये 5 एम्पेयर्स का ही है। सो ये आसान रहेगा क्योंकि हम इसे किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं। इसके लिए हमें 15 एम्पेयर के सॉकेट की या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पॉइंट बड़ा होगा तो ये तभी चलेगा। चाहे इसकी जो वोल्टेज है वो 1400 वाट है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने प्लग दिया है ये 5 एम्पेयर का ही है, जिसे हम कन्वीनियंटली किसी भी सॉकेट में जो अवेलेबल हो किचन में उसमें इंसर्ट करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और लीड भी काफ़ी लंबी है। इसको मैं प्लग इन कर रहा हूँ, अब मैं आपको इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसका सॉकेट ये लगाया है इसमें और प्लग इसको स्विच ऑन किया है, उसके बाद ये एक तो ये बटन ऑन हुआ है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और एक ये ग्रीन इंडिकेटर ऑन हुआ है। और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये डिस्प्ले केस पूरा ओपन हो जाता है। क्योंकि ये डिजिटली ऑपरेटेड है इसलिए सभी साइंस इस पे हैं, और जैसा भी हमने टाइम या टेम्परेचर एडजस्ट करना है वो यहीं से करेंगे। इसकी जो रेंज है वो इसकी इन्होंने बताई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 200 डिग्री तक, और जो टाइम है वो 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 8 ऊपर दिए गए हैं ये प्री सेट मोड्स हैं इसके,
और इनमें से जब आप कोई सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसका टाइम और टेम्परेचर सेट हो जाएगा। जब मैंने ऑन किया है तो ये 180 डिग्री पे आया है और टाइम भी इसका होगा। ये मेन्यू का बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे तो इनमें से कोई भी आप जो सिलेक्ट करना चाहे प्री मोड, जो प्री सेट मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे दिया गया है ये फिश के लिए है, उसके बाद ये प्रॉन्स के लिए है, और जो तीसरा बटन है ये बेकिंग के लिए है, और ये जो चौथा बटन है ये रोस्टिंग के लिए है, और ये जो बटन है ये स्टीक, ये चॉप, और ये जो है ये फ्रोज़न फ्राइज़ और ये फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये देखिए ये सेटिंग्स चेंज हो रही हैं, जितनी बार मैं चेंज करता हूँ उसी हिसाब से इसके मोड की सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अदरवाइज़ आपने कुछ करना है, ऑपरेट करना है इसे, तो ये एक बटन दिया है जहाँ से आप टेम्परेचर या टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। इसको प्रेस करते हैं तो ये टाइम शो हुआ है अभी 7 मिनट। अगर आपने टाइम बढ़ाना है या कम करना है तो ये बटन है जहाँ से आप अपवर्ड जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, डाउनवर्ड्स का बटन प्रेस करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। दोबारा आप इसे प्रेस करेंगे तो टाइम तो सेटिंग हमने कर ली है उसकी, तो टेम्परेचर भी एडजस्ट आप इसी हिसाब से ही करेंगे। ये 5 डिग्री के डिफरेंस पे टाइम ज़्यादा, सॉरी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा या कम कर रहा है। और ये एक बटन है जहाँ से आपने इसे जब स्टार्ट करना है या पॉज करना है तो इसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए ये ऑरेंज इंडिकेटर ऑन हो गया है, ये चलना शुरू हो गया। ये 15 मिनट और टाइम जो टेम्परेचर इसका आया था वो था 180। सो अगर आपने इसे पॉज करना है, रोकना है बीच में, यू जस्ट नीड टू प्रेस इट, ये बंद हो गया है। ये चीज़ जो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं हो सकती। तो डिजिटल का फ़ायदा यही है कि जब आप काम कर भी रहे हो इस पे आप आसानी से इसकी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ डिजिटल एयर फ्रायर्स। इस एयर फ्रायर की जो MRP है वो इन्होंने लिखी है 10,995 रुपये, जबकि Amazon की सेल पे मुझे ये मिला था, इसका जो रेट आया था वो था 6,250 रुपये, और मुझे SBI कार्ड पे मैंने लिया है Amazon से, और वो उन्होंने एक और डिस्काउंट ऑफ़र किया था तो उस पे मुझे 10% और डिस्काउंट मिला, और मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 5,600 प्लस कुछ पैसे और लगे हैं, उतने में कॉस्ट किया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई चीज़ इतने पैसों में मिल सकती है। जो फंक्शनिंग है वो सबकी सेम रहती है, आप जितना भी वक्त चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे बना रहे हैं। अगर आपके पास वो टेक्निक भी आ जाएगी जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए एयर फ्रायर से बेहतर कोई किचन गैजेट हो नहीं सकता। सो इट इज़ रियली रियली गुड, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो कीमत है वो अभी भी 6400 के करीब है, जो कि बहुत एक रीज़नेबल प्राइस है। अगर कोई डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं तो वो आप अवेल कर सकते हैं और आपको ये और भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मैं हेवल्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। ये तो मुझे पता है कि ये वाला तो जिनके लिए लिया है उनके पास जाएगा। हेवल्स का जो है वो इस समय 8200 का कॉस्ट कर रहा है डिजिटल, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी लगी है। सो आई रिकमेंड कि अगर आप लेना चाहते हैं एयर फ्रायर तो इतने कम पैसे में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी बात अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे एयर फ्रायर की काफ़ी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सो आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।